आखिरकार दो दशकों का इंतजार हुआ खत्म, बागचाल पुल के दोनों छोर मिले। वरिष्ठ कांग्रेस नेता रामलाल ठाकुर ने किया पुल का निरीक्षण। अगर वीरभद्र सिंह मुख्यमंत्री ना होते यह पुल भी नहीं होता। बागशाल पुल झंडूता और श्री नैना देवी विधानसभा क्षेत्र के लिए सच में पूर्व मुख्यमंत्री राजा वीरभद्र सिंह की एक बहुत बड़ी सौगात है। यह बात वरिष्ठ नेता कांग्रेस रामलाल ठाकुर ने बागशाल पुल के निरीक्षण के दौरान कही। उन्होंने कहा कि इस पुल के निर्माण कार्य में बड़े उतार चढ़ाव आए। एक समय ऐसा भी था जब इस पुल का काम बिल्कुल बंद हो गया था, लेकिन फिर भी वीरभद्र सिंह ने कंपनी के साथ समझौता कर इस पुल के निर्माण के लिए पैसा दिया। अब तक इस पुल के निर्माण कार्य पर लगभग 60 करोड़ रुपए खर्च हो चुके हैं। अभी कुछ पैसा और खर्च होगा। इस पुल के बनने से हमीरपुर कांगड़ा क्षेत्र की लगभग 40 किलोमीटर दूरी और कोटधार की लगभग 120 किलोमीटर दूरी तथा झंडूता के लोगों की लगभग 60 किलोमीटर की दूरी कम होगी। बागशाल पुल 185 मीटर के कंक्रीट कैंटिलीवर स्पैन वाला पहला पुल है जो भारत में सबसे लंबा पुल है। एनस्टार न्यूज के लिए स्वारघाट से राजेंद्र ठाकुर की रिपोर्ट। यहाँ पे ऐसा भी समय आया कि इस पुल का काम बंद कर दिया गया था। आज मैं इस पे राजनीति नहीं करना चाहूँगा, लेकिन ऐसा ज़रूर था कि वो कंपनी जिसको ये काम दिया गया था, जो कंपनी इसका काम कर रही है गेवन इंडिया, ये नेशनल लेवल पे और इंटरनेशनल लेवल पे अपनी जगह इस कंपनी की थी। आपको याद होगा जो कंदरौर का पुल है ये भी इसी कंपनी ने बनाया था, और बाद में क्या हुआ कि कुछ पैसे की कमी और इसको रिवाइज करते करते, क्योंकि टाइम इसलिए ज़्यादा लग गया क्योंकि पानी जब उतरेगा तो तब काम शुरू होगा, पानी चढ़ेगा तो काम बंद हो जाता था। मैं कहूँगा ऐसी ऐसी दिक्कतें आई, और मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि इस पुल के ऊपर आज की तारीख में अगर आप देखेंगे तो इसमें जो टोटल एक्सपेंडिचर जो फंड्स जो अवेलेबल हुए हैं उसमें कोई 60 करोड़ रुपए इसके ऊपर खर्च हो चुका है। कुछ पैसा और खर्च होगा इस पर अभी, क्योंकि और काम बाकी बचा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि ये 2-3 बार 4 बार इसको जो है वो दोबारा से जो है ना इसको जो है वो कहना चाहूँगा कि इसका जो बचा है होते तो शायद ये जो I'm not afraid of the dark.
इस जगह की हिस्ट्री है, उसे हमारे जो नीचे पंजाब की तरफ से लोग आने वाले हैं, अभी तो 4 लेन भी बन गई और भी जो है वो हमारे कोस की जो है वो सहूलियत होगी, लेकिन कोटधार के लिए, हमीरपुर के लिए तलाई की तरफ को ये जो है वो शॉर्टेस्ट रूट है जो पंजाब की तरफ से ये कोटधार को और तलाई के एरिया को और हमीरपुर को ये रूट जो है वो बनेगा। मैं माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह जी का भी धन्यवाद करना चाहूँगा कि इन्होंने इस पुल की अहमियत को समझते हुए ये जो सड़क है इसको दूसरे छोर तक आगे ले जाने के लिए, मुझे याद नहीं है कितने किलोमीटर का एरिया है जो सरकार ने आगे इसको पास कर रखा है। अब ये सड़क जो है ये नेशनल हाईवे के बराबर की, मैं कहूँगा 4 लेन के बराबर का जो है ये पोर्शन हमीरपुर में और तलाई तक के एरिया में जो है बनेगा, जिससे लोगों को और भी ज़्यादा सहूलत मिलेगी। मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगा क्योंकि हम विपक्ष में होते थे, काम बंद हो गया था, विपक्ष के नाते क्योंकि इसकी आधारशिला जब मैंने रखवाई थी तो वीरभद्र सिंह जी मुख्यमंत्री थे, उन्हीं को मैं लाया था यहाँ पे, और